नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का विश्लेषण कहाँ से प्रारंभ करें, कहाँ खत्म करें और किन किन चीजों को देखना चाहिए? देखिए, डॉक्टर के पास में जाइए तो बीमारी ना छिपाइए और ज्योतिषी के पास में जाइए तो अपनी समस्याएं ना छिपाइए। तो पूरा विश्लेषण करने में, जब ज्योतिषी आपका विश्लेषण कर रहा है, आपकी समस्या को समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है, तो आपको अपनी परिस्थितियों का भी जो है विवरण दे देना चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्थानों की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अगर कोई व्यक्ति लोकल का होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो उस वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, कानून हैं, उन सब का को वो जानता है। लेकिन अगर आप कहीं बहुत दूर स्थान के हैं तो आपको अवश्य ही अपने काम के तरीके के बारे में, वहाँ के कानून कायदे क्या हैं, उलझने दिक्कत क्या आ रही, वो सब भी बता देना चाहिए। आज एक कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। 11/11/1969 का इनका जन्म है, 22:15 मुंबई का जन्म है। इस कुंडली में कुछ रोचक है तभी हमने लिया है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इनकी मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश इनका हो गया बुध। बुध इस कुंडली में अस्त है, सूर्य के साथ है। कुंडली का सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होता है वो लग्न होता है, क्योंकि लग्न सभी भावों के फल को रिसीव करेगा। तो जब तक किसी अच्छे ग्रह की दशा चलेगी, तब तक अगर आपका लग्न कमजोर है तो भी वो संभालेगा कुछ हद तक, क्योंकि दशा अच्छी चल रही है। लेकिन अगर लग्न कमजोर है तो जब बुरी दशा आएगी तो लग्न संभाल नहीं पाएगा। जैसे अगर आपका जो है, आपने पांव में जो चप्पल पहना, जूता पहना है, वो कमज़ोर है, घिस गया है, लेकिन आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं तो तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जैसे ही रास्ता दुर्गम आएगा, कंकड़ पत्थर वाले आएंगे, कटीले स्थानों से गुजरना पड़ेगा, तो वो कमज़ोर जो आपका बेस है, जो आपने पहन रखा है, वो संभाल नहीं पाएगा, आपको चुभेगा। यही, इसी उदाहरण से आप जान जाइए कि लग्न जो है तब आपको मजबूत, अगर लग्न नहीं है तो बुरी दशा में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है। तो यहाँ पे इनका बुध अस्त है इस कुंडली में, तो अगर लग्नेश अस्त है तो आप तुरंत बोलिए कि ऐसे व्यक्ति उस लग्न का स्टोन पहन लें। यहाँ पर लग्न का स्टोन क्या बनेगा? पन्ना। ये मैंने विश्लेषण करना शुरू किया, ऐसे आपको भी करना है, लग्न से ही शुरू करना है। दूसरा, आपने लग्नेश को देख लिया, उसी के साथ में आपको लग्न के कारक सूर्य को भी देखना है। लग्न का कारक ग्रह यहाँ पर सूर्य नीच राशि में है, तो सूर्य का नीच होना, यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र बैठा है, नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन राजयोग, नीच भंग राजयोग का तात्पर्य अलग है, लेकिन अगर कोई ग्रह नीच का है तो उसके कारकत्व में कमी आएगी। वह राजयोग कब घटित होगा वो अलग विषय है, वो धन के मामले में बनता है नीच भंग राजयोग, कारकत्व का नीच भंग नहीं होता है। तो यहाँ पे सूर्य का नीच होना, सूर्य जो है सरकारी अधिकारियों का कारक है, सरकारी कामकाज का कारक है, तो वहाँ पे इनको जो है परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी। या ऐसा मान लीजिए कि बार बार सरकारी अधिकारियों से या सरकारी काम से जो है इनको चक्कर लगाना पड़ेगा, वहाँ बार बार जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। जीवन में कोई ऐसा समय आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है स्वाग्रही, इसने सूर्य का नीच भंग किया है। अब नीच भंग राजयोग में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर नीच भंग जिस ग्रह के कारण हो रहा है, अगर वह ग्रह स्वयं ही अस्त होगा तो नीच भंग काम नहीं करेगा। जो आपको उठाने वाला ग्रह है, अगर वह स्वयं ही कमजोर है, स्वयं ही
नहीं उठ पा रहा है तो आपको कैसे उठाएगा। वह सिर्फ उठाने की इच्छा रखता है या प्रयास कर पाएगा लेकिन उठा नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र अस्त नहीं है, शुक्र ठीक है, इसलिए शुक्र ने यहाँ पे नीच भंग किया है। अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा है जो नीच भंग कर रहा है, अगर वह अस्त होगा तो वह नीच भंग लागू नहीं करना है आपको। दूसरा, यहाँ पे द्वितीय भाव का विश्लेषण हम सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि सबसे रोचक विश्लेषण यही है। यहाँ पे शुक्र इनका कारक ग्रह बनता है, शुक्र अपनी राशि में है, सूर्य का नीच भंग भी कर रहा है तो शुक्र का भी स्टोन इनको पहन लेना चाहिए। ओपल डायमंड की अपेक्षा ओपल का प्रभाव अधिक देखा गया है। ओपल थोड़ा तेजी से रिजल्ट देता है। डायमंड को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, डायमंड मैंने ट्राई नहीं किया है खुद, लेकिन ओपल मैंने ट्राई किया है। मैंने हर स्टोन ट्राई किए हैं जो मेरे कारक मारक सभी स्टोनों को मैं दो दो दिन के लिए पहन करके, क्योंकि मेरा काम एस्ट्रोलॉजी का है, मुझे परामर्श देना होता है, तो सभी स्टोन का प्रभाव भले ही वह मेरी कुंडली से बुरा है लेकिन मुझे लेना था क्योंकि मुझे परामर्श देना होता है। तो सारे स्टोन को मैंने देखा, तो ओपल को मैंने देखा है कि यह क्विक रिजल्ट गिविंग होता है डायमंड की अपेक्षा। तीसरा, इनका कारक शनि होता है, शनि नीच राशि में है तो इसलिए अभी इस पर बात नहीं करेंगे कि शनि का स्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है, अभी इस पर लास्ट में चलेंगे। तो पहले तीनों कारकों को देख लीजिए और उसमें डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा स्टोन पहनना है, आप ये फिर बता दीजिए। दूसरे भाव का विश्लेषण लास्ट में। तीसरे भाव का स्वामी केतु है। केतु सूर्य की राशि में अच्छा फल देने की क्षमता रखता है, अग्नि तत्व की राशियों में केतु जो है अच्छा रिजल्ट दे देता है और जल तत्व की राशियों में भी अच्छा देता है। वहीं राहु जो है वह पृथ्वी और वायु तत्व की राशियों में अच्छा रिजल्ट देता है। चौथे भाव का स्वामी गुरु है। चौथे भाव में गुरु बैठा है, स्वामी बुध है, बुध अस्त है, यानी पन्ना पहनने से लग्न चतुर्थ दोनों को बल मिलेगा। गुरु यहाँ से दसवें घर को देख रहा है, स्वराशि को देख रहा, अपने ही घर को देख रहा है। तो जब गुरु अपने ही घर को देख रहा है तो इनसे बड़े बड़े काम करवाएगा, उच्च कोटि के काम, बड़े रिस्क लेने वाले काम करने का योग इस कुंडली में बन गया। गुरु की यहाँ पर दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी जहाँ पर मंगल बैठा और गुरु की नीच राशि की दृष्टि है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी तो क्या वह बहुत विकट होगी कि हल्की फुल्की रहेगी, ये आप अष्टम भाव से डिसाइड कर सकते हैं। अगर अष्टम भाव में कोई क्रूर ग्रह होगा जो कि आपकी कुंडली का कारक भी ना हो, यहाँ पर मंगल इस कुंडली का कारक भी नहीं है, अकारक है, एक तो छठे भाव का स्वामी है, एक तो एकादश, ये दोनों क्रूर भाव हैं, क्रूर भाव का स्वामी इस कुंडली में उच्च का होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे विपरीत राजयोग नहीं बन रहा, नहीं तो विपरीत राजयोग निकालिए कि छठे का स्वामी आठवें में बैठा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई ना, तो यह विपरीत राजयोग नहीं बन पाया है। 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में हो और 6-8-12 के स्वामियों के साथ में हो, या फिर उनकी दृष्टि में हो, या फिर अकेला हो, उस पर किसी अन्य भाव के स्वामी की युति या दृष्टि ना हो तो ही बनता है। तो यहाँ पे मंगल का विपरीत राजयोग भी नहीं बन पाया। अब मंगल चूंकि इस कुंडली का अकारक है और अष्टम में उच्च का बैठा, अष्टम में क्रूर ग्रह है, वो भी बलवान है, तो जीवन में मुसीबतें लाता रहेगा। गुरु शुभ ग्रह है, मंगल पे उसकी दृष्टि पड़ेगी तो मंगल को थोड़ा बैलेंस करेगा, लेकिन नीच राशि पर आठवें भाव को नहीं सही कर पाएगा। ये आठवां भाव है, इसमें तीन चीज़ें देखनी है, एक तो भाव, राशि और ग्रह, ये तीन चीज़ें हैं। तो जो गुरु की दृष्टि भाव पे पड़ रही है वह नीच वाली दृष्टि है, तो भाव के फल में नहीं मदद करेगा, लेकिन मंगल की उग्रता को शांत करेगा, मंगल के ऊपर दृष्टि है। बड़ा ही रोचक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए गुरु यहाँ से 12वें भाव को देख रहा है, एक तो ये देखा, ये देखा, फिर यहाँ है। अब गुरु की दृष्टि जो 12वें भाव पर है, 12वें भाव को देख के गुरु शुभ चीज़ों में पैसा खर्चा करवाता है, तो भाव पे दृष्टि गुरु का शुभ में खर्चा करवाएगा, लेकिन जब भाव का स्वामी देखेंगे तो गुरु का शत्रु है। अब गुरु का शत्रु हो गया तो इनका पैसा अपव्यय भी होगा, जहाँ इनका काम एक रुपये देने से चल जाना चाहिए वहाँ इनको दो देना पड़ सकता है, मतलब ये परेशानियाँ यहाँ पर शत्रु राशि पर दृष्टि डालने के कारण से आएंगे।
अब आ जाते हैं मूल विषय पे, जो मैं जिस चीज़ के लिए इस कुंडली को ले आऊँ। इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी कहाँ बैठा है? छठे भाव में। छठा भाव किसका होता है? ऋण का। छठा भाव होता है ऋण का। तो धन का स्वामी जब भी ऋण वाले भाव में आएगा तो कर्जा वगैरह देगा। तो जो भी लोग बिजनेस करते हैं, थोड़ा बड़े लेवल पे जा रहे हैं, उन सब के जीवन में कर्जा है। कर्जा सबके होता है, लेकिन कुछ लोग कर्जे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा निपटाते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कर्जा जो है जंजाल भी बन जाता है। अब यहाँ पे इनके जो धन भाव का स्वामी चंद्रमा है, वह नीच राशि में हो गया है, छठे भाव में। एक तो छठे भाव में होना ही खराब है, दूसरा छठे भाव में नीच राशि में है, तो धन भाव का स्वामी इनका बहुत ही पीड़ित हो गया। दूसरा जो है, इनका चंद्रमा तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठा हुआ, ज्येष्ठा नक्षत्र में। आपने मेरे पिछले कई कार्यक्रमों में देखा होगा, मैंने उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठे हुए ग्रहों का जो है फल बताया है कि वो जीवन में परेशानी पैदा करते हैं। नाम चूंकि उनकी कैटेगरी उग्र या तीक्ष्ण है, तो वो जिंदगी में भी जब उनका समय आएगा तो उग्रता तीक्ष्णता जो है भर देंगे जीवन में, यानी जो है अवसाद तनाव ये सब भरेंगे। तो चंद्रमा की राशि भी गलत है, भाव भी गलत है, नक्षत्र भी गलत है। यहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्रमा है, धन भाव का स्वामी नीच का हुआ, तो यहां से इंडिकेशन मिला। अब आगे चलेंगे, लाभ भाव में देखिए शनि नीच का होके बैठा हुआ है। लाभ भाव में शनि नीच का है, किसकी राशि में है? मंगल की। और जिसकी राशि में नीच का है वह ग्रह बलवान है, और आप परिचित हैं शनि और मंगल की शत्रुता सबसे प्रबल होती है। अगर हम नौ ग्रहों में सबसे ज़्यादा शत्रुता देखें कि बहुत अच्छे ढंग से शत्रुता कौन कौन से ग्रह निभाते हैं, तो मंगल और शनि परस्पर एक दूसरे से बहुत अच्छी शत्रुता निभाते हैं। अब यहाँ पर मंगल का उच्च हो जाना शनि के नीच वाले पीड़ा को और बढ़ाएगा, क्योंकि ये इसका शत्रु है। मंगल इसे बहुत ही पीड़ित और परेशान करना चाहेगा, जो कि शनि इस कुंडली में कारक भी है, भाग्य भाव का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि का। यहाँ पे स्थान परिवर्तन राजयोग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ग्रह जो है खराब भाव का स्वामी है, एक अच्छे भाव का स्वामी है, उसमें भी एक ग्रह नीच राशि में है। स्थान परिवर्तन राजयोग सिर्फ कहने को बना है, बल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही परिवर्तन शनि आठ इसमें आ गया होता, मंगल की दूसरी राशि में, वृश्चिक राशि में, तो कुछ हद तक मिल जाता, तब शनि कम से कम नीच का ना होता। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु राशि में होते तो कुछ हद तक अच्छा मिलता। और वैसे भी मंगल यहाँ शनि के घर में ना जानिए है, मंगल यहाँ अपने घर में है। अपने किस घर में है? अपने उच्च के घर में है। ग्रहों के कई घर होते हैं, ग्रहों का एक नीच का घर होता है, एक उच्च का घर होता है, और एक घर होता है जहां पर ग्रह रहना पसंद करता है, जिसे स्वग्रही बोलते हैं। यहाँ पे मंगल का उच्च का होना शनि को और भी पीड़ित कर दिया। अब सबसे विशेष बात जो है यह है कि यहाँ पे जो शनि बैठा हुआ है वह मंगल के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी खष्टेश के नक्षत्र में बैठा। मंगल छठे भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी छठे भाव में, और जो लाभ भाव का स्वामी है, जो लाभ भाव में बैठा ग्रह शनि है, भाग्य का स्वामी है, वो भी छठे भाव के स्वामी मंगल के नक्षत्र में है। लाभेश का तो फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीच का है, तो इसी का फल ज़्यादा यहाँ पर परिलक्षित होने वाला है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? चंद्रमा का नीच होना, धन से संबंधित परेशानी, शनि की अंतरदशा आने पर, जब इनकी चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा सितंबर 2020 से प्रारंभ हुई, तभी से इनको समस्याएँ बहुत विकट रूप लेना प्रारंभ हो गई। कारण क्या था कि यहाँ पर एक तो शनि छठे भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, छठे भाव का जो स्वामी मंगल है उसी की राशि में भी है,
मंगल इसका भी स्वामी है, लेकिन मंगल यहाँ पर अकारक है, और चूंकि शनि को इसने पा गया है मौका पीड़ित करने का, शनि इसके नक्षत्र में इसकी राशि में पड़ गया, तो अब इसे ये खूब अच्छे से पीड़ित करने वाला है। अब इस कुंडली को देख के ऐसा लगेगा कि शनि नीच का है, शनि की अंतरदशा से परेशानी है, चलो शनि का उपाय कर देते हैं। शनि नहीं बुरा है, शनि तो देना चाहता है, लेकिन उसको देने जैसे ये घिरा हुआ है, राशि देख लेंगे, नक्षत्र देख लेंगे, धन भाव भी कमजोर हो गया है, तो ये एक तरीके से अभिमन्यु है जो महारथियों के बीच में फंसा हुआ है। तो इलाज अभिमन्यु का नहीं करना है, महारथियों का करना है, जिसके कारण से वह जो है अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। अब इनको ओवरऑल उपाय सबसे पहले मंगल का करना चाहिए, मंगल को प्रसन्न करें। मंगल प्रसन्न होगा तो चूंकि इनके जो भी फल होगा इनके लग्न को ही मिलेगा, शरीर को ही मिलेगा, तो मंगल इनसे प्रसन्न होगा तो ओवरऑल फल अच्छा करेगा, यानी इनको अपने वजन के बराबर मंगल के वस्तु का दान करना चाहिए। जब परिस्थिति थोड़ा सामान्य होती है तो थोड़ा कम दान से भी काम चल जाएगा, लेकिन जब परिस्थिति ज़्यादा विकट हो तब वजन के बराबर दान करने से क्विक रिलीफ मिलता है, बहुत तेज़ी से राहत मिलता है। तो मंगल की वस्तु का दान इनको, जैसे सबसे खास चीज़ है गुड़ का दान बता दिया जाता है, खाने पीने वाली चीज़ों का दान सबसे ज़्यादा असर करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं संसार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खाना ही है, कुछ भी खाने से, क्योंकि पहले के समय में लोग बिना वस्त्र के रहते थे, लेकिन बिना भोजन के तो नहीं रहते थे, यानी भोजन इस पृथ्वी पर हर प्राणी का, मनुष्य मात्र का ही नहीं, हर जीव बिना भोजन के रह ही नहीं सकता, अन्य चीज़ें तो बाद की बातें हैं। तो खाने पीने वाली चीज़ों का असर बड़ा तेज होता है, तो मंगल के लिए वजन के बराबर गुड़ का दान करें, संकल्प लेकर के मंगल के मंत्रों का 125,000 जप करवा दें। आमतौर पे हम 4 गुना जो ग्रह का मंत्र होता है उसका 4 गुना दशांश सहित जप करके हमन करते हैं, लेकिन जब किसी ग्रह के कारण बहुत विशेष परिस्थितियां बन जाएंगी पीड़ादायक, तब उस ग्रह के लिए आप 125,000 जप जान के रखिए, बताना चाहिए। तो मंगल का दान और मंगल के लिए 125,000 मंत्रों का जप करके हमन इनको करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर अब इस उपाय से शनि को राहत मिल जाएगा। इनकी जो आगामी दशा है, अभी जो चल रही है, करंट में जो चल रही है, इनका 2022 तक तो शनि की अंतरदशा थी, शनि ने बीज बो दिया, मंगल ने शनि के माध्यम से फल दे दिया, यानी यहाँ पे फल शनि नहीं मंगल दे रहा है। किसी भी ग्रह के दशा महादशा का फल कैसे निकालना, इसका अलग से कार्यक्रम लाएंगे, नक्षत्रों की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पे शनि जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह का फल दे रहा है, ऐसे कोई भी ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है उसका फल देता है, कोई भी ग्रह, जैसे अब यहाँ पे चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक का फल देगा, छठे भाव का फल देगा, द्वितीय भाव का स्वामी है इसका फल देगा, 12वें भाव को देख रहा है इसका फल देगा। इस कुंडली में जो भी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा होगा, जहां कहीं भी जो भी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, चंद्रमा उस ग्रह का भी फल देगा। शनि मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल का भी फल दे रहा है, मंगल उससे फल ले ही लेगा, तो यहाँ पे मंगल के उपाय से शनि को राहत। दूसरा, इनका धन भाव भी पीड़ित है, तो इसके लिए इनको चंद्रमा का भी 125,000 जप करना होगा, और इनको पूरा वजन के बराबर नहीं, लेकिन कम से कम 10-11 सोमवार के लिए चंद्रमा की वस्तु का दान भी करना होगा, चावल वगैरह का दान करना चाहिए, जिससे कर्ज का आवेग और छठे भाव की जो परेशानियां हैं वो भी कम हो जाए, वो भी थोड़ा सा दबे। देखिए, दान से ग्रह कमजोर होता है और जप से ग्रह प्रसन्न होता है, तो जब मंगल का दान होगा तो मंगल की पावर कमजोर होगी, मंगल का पावर घटेगा आपके ऊपर, उसके निगेटिव इन्फ्लुएंस जो आ रहा है उसका प्रभाव घटेगा, तो निगेटिव इन्फ्लुएंस आपने दान से घटा लिया और जप करके उस ग्रह को आपने प्रसन्न कर लिया। आप अगर किसी के ऊपर प्रसन्न होंगे तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, कृपा करेंगे ना,
कोई अधिकारी आपसे प्रसन्न है, आपका बॉस आपसे प्रसन्न है, तो आपको डिमोट तो कर नहीं देगा, प्रसन्न होने पर वह आपको प्रमोट करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, अभयदान देगा। तो यहाँ पर मंगल जब से अभयदान देगा, प्रसन्न होगा, जब से प्रसन्न दान से कमजोर, ये उपाय बड़ा कारगर रहेगा। शनि भी नीच राशि का है तो इनको शनि का भी जप करना है। अब अगर ये शनि का स्टोन पहनेंगे, चूंकि मंगल जो है शनि से शत्रुता निकाल रहा है पूर्ण रूप से, क्योंकि मंगल पा गया कि मेरी राशि में है, मेरे नक्षत्र में है, तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया। ऊपर से ये इसको देख भी रहा, 1 2 3 4 यहाँ पर दृष्टि भी डाल ले रहा है। तो अब शनि को हमें क्या करना है, स्टोन नहीं पहनाना है शनि का। शनि का स्टोन पहनने पर मंगल और क्रूर हो जाएगा, क्योंकि ये अगर मंगल ने इस पे पकड़ बनाया हुआ है, और अगर ये मंगल से बचने का प्रयास करेगा, मंगल को तकलीफ देने वाली चीज़ें करेगा, तो मंगल और उग्र होगा। तो इनको स्टोन नहीं पहनाना है, इनको इस ग्रह का शनि ग्रह के लिए रुद्राक्ष पहनाना है। जहाँ पर स्टोन नहीं काम करेगा, दान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य का स्वामी है, भाग्य कमजोर हो जाएगा शनि का दान करने से। शनि जो कुछ लड़ने की ताकत लगा रहा वो भी खत्म होगा। तो शनि के लिए हम रुद्राक्ष दे देंगे, सातमुखी रुद्राक्ष। तो शनि का निगेटिव इन्फ्लुएंस जो मेष राशि में होने का है वो कम हो जाएगा। मंगल के लिए भी स्टोन नहीं पहन सकते, मंगल का भी रुद्राक्ष पहनाएंगे। रुद्राक्ष उस ग्रह के निगेटिव प्रभाव को, या उस ग्रह के माध्यम से निगेटिव प्रभाव मिलने वाले प्रभाव को रुद्राक्ष अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, बॉडी में जाने से रोकता है। तो यहाँ पे फिर चंद्रमा का भी रुद्राक्ष पहनाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का भी स्टोन नहीं पहना जा सकता। तो ये ओवरऑल ट्रीटमेंट जब होगा तो इनको अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आगे जो है, सितंबर 2023 तक बुध की अंतर दशा है, चंद्रमा में बुध। अब यहाँ पे दशा का देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको अनुभव करा देता हूँ रिजल्ट कैसे निकालेंगे। महादशा किसकी है, चंद्रमा की। जिसकी महादशा है वह स्वयं ही खराब है, और जिसकी अंतरदशा आएगी बुध की, वह उस ग्रह से, महादशा जिसकी है उससे 12वें भाव में बैठा है, और शत्रुता भी है बुध चंद्रमा की। तो यहाँ पर बुध चूंकि 12वें है, और बुध स्वयं भी अस्त है, विकल अवस्था में है, बलवान है ही नहीं, तो अभी इनको सितंबर 2023 तक राहत की उम्मीद कम है। उपाय काम करेगा, उपाय से ही राहत ये ले सकते हैं, ग्रहों के दशा से राहत इनको नहीं मिलने वाला है। अगली चीज़ क्या है कि जब सितंबर 2023 निकलेगा तो केतु की अंतरदशा शुरू होगी। केतु चूंकि लगन मिथुन है, मिथुन लगन के लिए राहु केतु खराब रिजल्ट नहीं देते, तीसरे भाव में बैठा है, अच्छे भाव में है, अच्छे भाव में होके बैठा हुआ है। केतु जो बैठा हुआ है वो चंद्रमा से देखेंगे तो दशम भाव में है, यानी जिसकी महादशा है उससे 6 8 12 में नहीं है। तो ये भी अच्छा प्लेसमेंट है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि केतु शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। केतु जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, जो कि स्वराशि का है और इस लगन के लिए कारक ग्रह भी है। तो शुभ ग्रह के नक्षत्र में होने से, अच्छे भाव में होने से, महादशा जिसकी चल रही है उससे अच्छे प्लेसमेंट में है, दशम में है। तो कुल मिलाकर के केतु की अंतरदशा में इनके कामकाज पटरी पर आएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि जिसकी महादशा है वो अभी कमजोर है। तो इसलिए जब सारे ट्रीटमेंट होंगे तो इनको पूरा कुल मिलाकर के अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जब भी कोई ग्रह आपको कुंडली में खराब दिखे, यहां पर चलिए हमको शुक्र अच्छा दिख रहा है, अपनी राशि का दिख रहा है, सूर्य का नीच बंगल ये अच्छा दिख रहा है, गुरु भी अच्छा दिख रहा है, चलिए ठीक है, यहां पे चंद्रमा खराब दिख रहा है, शनि खराब दिख रहा है, और मंगल खराब दिख रहा है, जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब दिखें उनके नक्षत्रों को जरूर देखिए कि वे किस ग्रह के नक्षत्र में हैं, और उस ग्रह के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, ये दोनों पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा संक्षिप्त विश्लेषण करने का हम मैंने आपको ये कुंडली के उदाहरण से बताने का प्रयास किया है। आगे और भी ऐसे कार्यक्रम लेकर के आएंगे।